एक तो घर में कपड़े धो रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ये राबिया की, ये राबिया की है। सांबा जाने के लोकेशन के हिसाब से कपड़े डिसाइड हो रहे हैं। शोर कर, क्या मतलब? तो अब जो है वो हम लोगों ने कुछ तैयारी व्यारी करनी है। किस चीज की करनी है ये मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोगों का प्लान बन रहा था, मतलब अचानक से प्लान बना कि वी सिस्टर्स एंड मम्मी डैडी आर गोइंग टू इस्लामाबाद और हम लोग किस सिलसिले में थोड़ा सा वहाँ आगे उगे इधर उधर जाके घूमे फिरेंगे, थोड़ा पाकिस्तान को हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। किस सिलसिले में जा रहे हैं ये आपको बाद में भी बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोगों ने करनी है अर्जेंट पैकिंग। डैडी की कॉल आई है कि बेटा पैकिंग कर लो, और आपको पता है लड़कियों वाले घर में पैकिंग इज लाइक कि यार ये क्या काम बोल दिया करने के लिए, मतलब पैकिंग नहीं हो सकती उन लोगों से। उन लोगों को मैचिंग पर्स, मैचिंग जूते, मैचिंग शर्ट, मैचिंग जीन्स, मैचिंग कुर्ता, मैचिंग चश्मा, मैचिंग हर चीज चाहिए होती है। लेट्स सी मेरे घर पे अंदर शोर मचा हुआ है, मैं भी आपको आके जाके अंदर शोर पे दिखाती हूँ कि हो क्या रहा है। अभी इधर मैं घर के अंदर आई हूँ तो ये देखो जरा, ये क्या मुफ्त में तुम पहनती है? ये पेंटों पे मत लड़ना। एक तो घर में कपड़े धो रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ये राबिया की, ये राबिया की है। मम्मा एक दिन तो मैं पैसे तो कैसे टैग यहाँ भी इसकी जगह राबिया लिखा हुआ है। राबिया ऊपर एक सी एक और पेंट है। राबिया भी पैकिंग के लिए देखो कपड़े निकाल के लेकर आई। मैं अपने लिए बस तो एक दिन एक ही पेंट वो कह रही है, एक दिन छह पेंट वो कह रही है। ईमानदारी से ऐसे रखो कि जो मर्जी मैं पहनूं ऐसे लेके, ऐसे वॉर्डरोब लेके जाओ जैसे घर में पड़ी होती है अलमारी से निकाल लेंगे। मैं ऐसे नहीं, अपने लिए पैकेज बना के लेके जा रही हूँ। तो बच्चे जिस दिन मेरी बात सुनो, जब एक दिन तो दूसरा पैकेज नहीं पहन रही, वो सड़ रहा होगा बैग में पड़ा, तो मैं पहन लूंगी शर्ट और पहन लूंगी। ये देखिए कपड़ों पे कैसे बहस होती है जब सारी बहनों के एक जैसे कपड़े। मैं अपने कपड़े रख रही हूँ, मैं कोई मेरा पहना तुमको नहीं, मैं वो मैं भी कहूंगी, लेकिन उसका भी पैकेज है, कपड़े तो रखो ना उसका भी। कल से पूरे कपड़े मेरे पैकेज में आ दो, नहीं ये जींस वो कह रही मेरे छुपा दो क्योंकि इसमें ही डाटा। ये जो छोटी है ना तीन, ये ऐसे ही लड़ती हैं गाइस, और जो बड़ी होती है ना वो ऐसे बैठी होती हैं सुकून से, और एक बड़ी तो बिल्कुल ही शांति से बैठी होती है। उसको पता है उसकी पैकिंग हुई है, दुबई वाली पैकिंग ही नहीं खोली थी मैंने, मेरे पास बड़े कपड़े पड़े हैं। इस्लामाबाद जाने के लोकेशन के हिसाब से कपड़े डिसाइड हो रहे हैं। हाँ जी ठीक है, हाँ वो सबसे मांगेगी जो उसकी आदत है। अगले दिन मैंने वो वाले कहा मैंने ये वाले अगले दिन पहनने का पैकेज रखा होगा अपना, फिर ये बात करने के लिए जा रही हूँ। तीन दिन के लिए अपना तीन पैकेज वाला पूरा पैकेज नहीं उठाऊंगी मैं, तो खाली शर्ट पकड़ी तो अगर वो शर्ट हम ये मैं शर्ट लगे तुम ये वहाँ पे पहन लो, ये अपने अभी शर्ट मैं लेके आई, तुमने ले लिया। गाइस यहाँ पे हो चुकी है एस्ट्रोलॉजी हाउस पे कपड़ों पे लड़ाई, ठीक है कि मैंने ये पैक करना है, मैंने ये पैक करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। हम लोग पुरसकून लोग हैं, हमें आखिर में ये सब लोग पैकिंग कर लेंगे, मैं और हीरा जो हमें पड़ा हुआ माल मिलेगा ना हम बस वही सूटकेस में फिक्स कर लेंगे। हम लड़ाई में नहीं पड़ते, हम बच्चे नहीं, हम मैच्योर हैं। ये लेकर जाओ, ये स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए खरीदी थी मानो मोहतरम के लिए। तुम गंदी लग रही हो, तुम अमूमन यही लगती हो, अच्छी लग रही है। मानो चोर ने पहले से ही अपनी सारी चीजें छुपा के रखी हो गई है तुम्हारी, अब डन हो गई है, डन। सूट केसेस ले आओ गाइस प्लीज, ताकि उसमें पैकिंग करें। मेरे सूट केस को कोई हाथ मत लगाए क्योंकि उस सूट केस में मैंने अपनी चीजें रखनी है और वो ऑलरेडी बुक्ड है। इधर देखो ये पिंजरे से बाहर मशीन में धोने वाले पहन के गई थी, कुछ भी नहीं है मेरे पास यार। आप भी यही टाइट्स इसके साथ की क्या है, मैंने स्विमिंग ड्रेस भी रखा है। हाँ ये जो स्विमिंग ड्रेस था ना वो मेरा जो मैंने वाटर पार्क में पहना था, मैं खुद ही जान बुझी बोली इतनी तुम बने ना वाटर पार्क में, जो मैंने वाटर पार्क में पहना था वाटर पार्क में। हाँ सुनो टाइट से देखो खुद ही नहीं है तो ढूंढो, अकल लगाओ थोड़ी सी। ओह तुमने क्या रखा है स्विमिंग के लिए? मेरा ये वाला पैकेज ना दिखाई, मेरा जाने का पैकेज।
गाइस मामा ने ज्यादा अच्छे अच्छे क्रिएट करे ना, इसलिए मजा आएगा। मम्मी पापा की शर्ट्स निकाल के, मम्मा मम्मा आपकी ना एक वो कबूतरी उधर बोल रही है। दिशवाला जी हाउस में पैकिंग ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में कपड़ों पे लड़ाई भी होती है। और ये राबिया तो बस लगी हुई है, मानो कपड़े नहीं मिल रहे यार, इतने कपड़े हैं मानो तुम्हारी अलमारी में। अब स्विमिंग के लिए उसने मेरा वो यास आइलैंड वाला रख लिया ड्रेस, मैं तो सुकून से रेस्ट कर रही हूँ। मुझे कहने जाना है, आई एम रेस्टिंग बिकॉज आई वॉन्ट टू रेस्ट, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ऑफ हो रही है गाइज। ये लोग पैकिंग कर ले, मैं कह रही हूँ क्या इनसे, उसको तो देखो पता नहीं क्या क्या नेकलेसेस निकाल, पता लगे हमारा अब कहीं लेके नहीं गए। ये ट्राउजर रखती हूँ ना जाना फिर। आप ही को देखो, हम लोग यहाँ पे मेहनत मुशक्कत कर रहे हैं और आप ही यहाँ पे क्या करिए, सो रही है क्यों सो रही है, उठो उठो उठो, आप ही गलत बात है। हम लोगों ने इतना मतलब सामान निकाले, थक गए हुए, और आप ही को देखो यहाँ पे रेस्ट कर, ग्लासेस देखो सर पे चढ़ाई हुई है। चलो यार उठो, आप ही उठ यार, उठ बिल्कुल हिम्मत नहीं है डार्लिंग, कम ऑन उठ जाओ उठ जाओ, डार्लिंग होने से बेहतर है मैं ऐसे करूं। यार क्या है, कोई मेरे पीछे पड़ गया, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। आपको पता है हम लोगों ने जल्दी आज ही निकलना है, आपको किसके कल निकलना है, कल जाना नहीं जी बेटा नहीं नहीं, हम लोगों ने निकलना है पूरे 3 बजे भी निकल जाना, पापा आ रहे हैं घर, तैयार हो चलो। रात 3 बजे जी, कोई पैकिंग नहीं की इसने, उठ बड़े आराम से लेटी हुई है, तुझे कहा आज जाना है, तू क्या कल समझी बैठी है। मुझे लगा कि उठो, आज एक दिन पहले पापा ने बताया कि मतलब हम लोगों ने आज ही जाना है, आज जाना, उठो 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 जल्दी जल्दी जल्दी, चलो सबने कर लिए पैक। ब्रिगेंजा मिस्टर बीन का पोता, मिस्टर डॉग बनी, लोगों ने कहा था हिजाब ट्राई करो, चलो मैंने कर लिया, कैसी लग रही हूं, ओए बड़ी प्यारी लग रही है जाना, वैसे लग रही मानो जा प्यारी लग रही है। अच्छा पता क्या लग रही हो, सीजन में जो नदियां आती है, हां एलीट वाले सीजन, हां बिल्कुल। ये मेरे टाइट्स तो नहीं पहने तुमने स्विमिंग वाले, नहीं झूठ तो नहीं बोल, नहीं ये शर्ट है मेरी, वो जो अभी मैंने नहीं पहनी थी टाइट वाली वो शर्ट, मुझे लगा इसने वो इलास्टिक, मैं ना बचपन में इस तरह करके ना वो बनाती होती थी। सो गाइस फाइनली मैं आ चुकी हूँ मैदान में, क्योंकि मैंने बड़ी रेस्ट वेस्ट कर ली है, अब मुझको रेस्ट नहीं करनी है, अब मुझको सेलेक्ट करनी है चीजें, क्योंकि हम लोगों ने रात को निकलना है, मरने लगी है। अब ये अपने लिए बैग सेलेक्ट करे, कौन सा बैग यार, एक तो बैग वगैरह निकालेंगे, मेरे सूटकेस को कोई हाथ ना लगाएगा, ये वाला था मेरा सूटकेस ठीक है, इसमें मेरी ऑलरेडी ये मेरा है, ये दुबई के बाद मेरा हो गया, लेकिन ये लेके कौन आया था, ये तो मैं पहनने वो अपनी शर्ट के, सब एक एक दिन जिसका जब दिल करेगा वो बैग भी पहन लेगा, ठीक है। बैग वैसे मैं दे रही हूँ, इतने बैग ना रहा, एक भी काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं है, बदतमीज मार क्यों रही हो मुझे, है ओपन ये मेरा, खोलो इसको, मानो मुँह है रबिया, रबे मेरा मुँह है, ये देखे मैंने कितने खूबसूरत खूबसूरत कपड़े रखे हैं, हाँ इसमें मेरे चश्मे थे, ये मेरा दुबई वाला बैग खुला गाइस, मेरी पहले से ये मैंने लगाया था, आप भी स्किन केयर भी लेके गई थी, स्ट्रेटनर भी है, ये सारी चीजें बस मैंने ढूंढती रह गई थी, ये मैं लेके आई, ये वो वहाँ से चोरी किया था, चोर नहीं ओए ये क्या है, ये लेके जाने, ये तो मेरा है, ये मेरा है, बस 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 नो फाइट, ये मेरा ड्रेस है, ये मैंने पहनना है भाई, मैंने अपने लिए कपड़े, यू जस्ट नीड टू थिंक अबाउट योर आउटफिट्स नॉट माइन, ये मेरे हैं, हो गए लेकिन मेरा दिल चाह रहा है पूरे महीने के लिए, ये सब कपड़े तो आप ही लेके गई हुई है, हाँ आप ही के कपड़े हैं, आप ही के सारे प्यारे शीन के कपड़े, तो नहीं ये वाला बैग मत रखो, छोटू मोटू रखे हुए मैंने, पीछे पहनने के लिए रखना है ताकि जिसमें सामान मेरा होगा वो लूं, चलें बैग्स की ढेरियां लगाई जा रहे हैं, चलें जी पापा आ चुके हैं, हाँ जी सारा मेरा दुबई वाला खोला ही नहीं था मैंने, हाँ पापा कह रहे हैं इतना बैग तुमने लेके, ये सबका बैग है, नहीं नहीं इसमें से मैं अब अपने आधे निकाल रही हूँ, पापा को लग रहा है मैं वाकई में पागल हो चुकी, इतनी पागल ही भाई, हम 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं, ज्यादा पूरे महीने के लिए नहीं जा रहे। ओए राबिया ये देखो, ये टॉप भी है, ये देखो ये वाला, यहाँ लो चलो ठीक है ओके, एक्चुअली ट्रिप पे सिर्फ हमने ही नहीं जाना, हमारे अब्बू ने भी जाना है, नई बेल्ट लेके आए हैं, मैं और मम्मा दूर बैठे हंस रहे थे, मैं जरा आप लोगों को भी दिखाऊं मेरे पापा जो है ना वो बेल्ट में सुराख कैसे हो गया, नहीं नहीं अब वैसे ही, अच्छा पहले मैं डाल के देखा तो पकड़ेगा तो होगा, वो अभी हो जाना ये हो जाएगा, पापा जी उंगली निकाल के दूसरा बंदा पकड़े ना एक साइड से फिर होगा, नहीं होता हो जाएगा, चेक करो जरा बेल्ट में सुराख करने का जुगाड़, वो सीधा सुराख करेंगे ना, मैं पकड़ लिया मैंने, टाइट कर
बेहतरीन सुराख हो गया गाइस, ये सुइयों से सुराख करना छोड़ें। मोची को जाने तो मोची ने कहना 5 रुपए दे दे। 5 रुपए ड्रिल मशीन से सही सुराख हो गया। बेहतरीन सुराख हो गया। हो गया कि पापा की ट्रिप की तैयारी हो रही सुराख हो रही। मम्मा कह रही है मेरे हस्बैंड बहुत ज़हीन है, दूर बैठी सब जुगाड़ लगा रही है, साथ हंस रही है। हीरा भी आ चुकी है इसमें शामिल होने के लिए। हीरा देखो पापा सुराख कैसे लगेगा। भी आ चुकी है इसमें और पापा जो है ना वो एक और सुराख कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी पापा की फिटिंग के हिसाब से नहीं हुआ। मेरा हाथ देखे, तुमने आईंदा किसी चीज में कानों में सुराख करवाने हो, इतने कानों में नाक में। हाँ मेरी बहने शो, मैं नीचे पैकिंग कर रही हूँ, मेरी बहने शोर कर, क्या मतलब दिखाओ। ओ माय गॉड, राबिया फैसल वेरीफाइड हो गया, आपका बेटा बहुत देर पहले ही हो गया था। ओ माय गॉड राबिया, ओ माय गॉड, खुशी से नाचते हुए पागल हो गई। टिकटाक बना लेना हर साल जो ब्लू टिक की भी बर्थडे सेलिब्रेशन की, केक काटेंगी, बलून लगाएंगी, फन करूंगी। आई अल्लाह, मेरी ब्लू टिक अपनी जगह पापा को दिखा के आती हूँ। फातिमा, जो खुशी मेरी और तुम्हारी थी ना, उसको बीट नहीं कर सकती। पहले पहले थे ना, पहले मेरा लगा, फिर आपी का लगा, फिर राबिया का लगा, फोर्थ तेरा का लगा। तो जो मतलब पहली मुझे खुशी थी ना, वो जो मतलब मुझे खुशी आई थी वो अखीर, और उसके बाद जो फौरन मुझे मिली थी ना खुशी, वो डबल अखीर थी। नो वन कैन बी आर एवर। सो विश के रहता है हीरा का भी, हीरा और ज़ैनब का भी, हमारी पूरी ज़ैनब 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 का भी लग जाए, पापा का भी लग जाए, मामा का भी लग जाए, दीप का भी लग जाए, सबका लग जाए, देखने वालों का भी लग जाए। हीरा मैडम पता नहीं यहाँ कोई शूट कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है। हीरा जिंदगी में पहली बार मैंने बेडशीट देखी है, तुमने अपने बेड पे भी छाई है। इट्स वेरी प्रिटी यार, हम जाने लगे हैं तो ये लड़की अपना काम कर रही है यहाँ पे खड़े। पेशेंट्स पे जा रहे हैं, एक चीज तो लेके जानी पड़ेगी, जाना वेकेशंस पे पहनना। मैं वेकेशंस पे चली हूं कि मैं तो डांस करने चली हूं, मैं तो वेकेशन पे चली हूं। ले लोग की जाते ना कनाडा, तो मैं उसका वेकेशन से, तो मैं चली हूं इस्लामाबाद। वैसे थोड़े ना इस पर इकरा कॉल हो के आई है ना, हुने हुने दुबईओ, बड़ा ही मजा आया मेनू। ले पैसे खर्च कर गई, तो गई, मेनू लगा कि ऐसे गई फिर बच गई। ले पैसे दे के स्काइडाइविंग की थी, पागल जी आधी पैरों ने लेके गई, मैंने ना गुस्सा आया तो पैरों ने भी लेके, बल्कि सारे 1 मिलियन व्यूअर्स ने भी लेके जाए, सब लोग तो करांदी स्काइडाइविंग। ऐसी घर बैठ के सड़ सड़ के कोला हो गए, हमें लेकर नहीं गई और हम लोगों को बहुत ज्यादा दुख था, क्योंकि आप एक फ्रॉड हैं। मैं जाना चाहती थी, मैं दुबई में बहुत ज्यादा फन करना चाहती थी। आई लाइक दुबई, आई लव यू दुबई, दुबई मुझे फ्री ब्लॉग नहीं नहीं, मैं बहुत विश थी कि मैं जाऊँ, लेकिन ना मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं मर जाती अगर ऊपर से कूदती ना। है वाकई फातिमा, तुम्हारा रिएक्शन नहीं लिया कि तुम मतलब क्या फील कर रही थी, कि अगर तुम होती मेरी जगह तो क्या होता तुम्हारे साथ। मुझे ऐसे 2 मिनट क्लियर लग रहा था कि मैं मर जाती या टपक जाती, तो मुझे ऐसा लग रहा था वो जो सबमरीन में नहीं गए थे इतने पैसे देके नीचे मरने, ऐसे मैं भी ऊपर जाती इतने पैसे देके और मर के नीचे आ जाती। तो मुझे ना मैं पता क्या जिंदगी ना एक ही बार, मैंने यकीन कर एक बार सोचा था ये। मैंने बेटा बेटा एक आदमी की हो गई थी, उसको हार्ट अटैक आया था और उसकी डेथ हो गई थी, मर भी जाऊँ तो क्या फर्क, मतलब ऐसी बात नहीं है, मतलब फिर भी एक अभी तो जवान हूँ ना, शादी हुई है ना, मेरे अभी तो इस्लामाबाद जाना है, अभी तो मेरी शादी भी होनी है गाइस। होटलां नूं अग लगी पई, इन्हां ने महंगे होटल, इन्हां खाना महंगाई इन्नी हुई, पेट्रोल भी इन्ना महंगा करता लोकां ने, मैं तो समझ नहीं आंदी महंगाई जान किथे डई। ऊपर से मैं और फातिमा, अभी नीचे से फिर शोर की आवाज आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि नीचे क्या हो रहा है यार। डॉक्टर मिया फैसल भी फाइनली वेरीफाई हो गया, आज एस्ट्रोलॉजी का ना वेरीफाई दिन चल रहा है।
ब्लू टिक गाइस पैकिंग ये खुली पड़ी है, इधर ये भी खुली पड़ी है, ये देखिए यहाँ पे ये बस ये सब जुड़ी हुई है। मैंने तो नहीं किसी के रखना, मामा मैंने अपनी कर ली हुई है यार, ये बस ये आपकी बेटियाँ उसमें लगी हुई है, अकाउंट में लगी हुई है, इंस्टाग्राम को लगी हुई है। मानो मोहतरम भी बैठी हुई है, हीरा भी बैठी हुई है, ये दोनों बच्चियां भी, इन दोनों का हो गया। तो क्या बात है, मम्मी तो जाने के लिए तैयार भी होके आ गई, अपनी वो नई वाली चप्पल भी पहन ली है। हाँ अच्छा लग रहा है मम्मा, आज बड़ी प्यारी लग रही हो। रात के जो है ना गाइस, इस वक्त ना 2 बज रहे हैं 3 बज रहे हैं बल्कि, ठीक है। हमारी पैकिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमने रख ली, 2-3 बज रहे हैं मतलब हम निकलने वाले हैं, लेकिन अभी कुछ कंप्लीट नहीं हुआ। इस तरीका मैं आपको बताई थी कि ये रख लिया, वहाँ अगर ना हुई तो काम आएगी। खैर मैं किस चीज़ का इंतजार कर रही हूँ, मैं तो इनके चक्करों में ऊपर नीचे। मैं आपको दिखाऊँ कैसे ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पे इन लोगों ने जूते जोड़े हुए हैं, ठीक है। ये 2 जूते तो हमारे यूनिवर्सल जूते हैं, ये 2 जूते क्या इनका ही वजन हो जाना इतना। हाँ जी हाँ ये अच्छा, ये व्हाइट की जगह मामा ये अच्छा लग रहा है। तो मैंने बस अपने मेकअप का वो अपने छोटे मोटू तैयार करना है बस, ये नहीं ना ये कम है। और देख लो मैं कह रही हूँ कि तो कुछ चप्पल टाइप भी चीजें रखो ना, ये जूते एक दिन ही सबने एक एक पहन लेने हैं। हाँ ये तो खत्म हो जाने, राबिया रखेगी जूते प्रॉपर। मैं भी जा रही हूँ देखने के लिए, क्योंकि मैंने अपने छोटे मोटू पैक करने हैं। ओह माय गॉड, ये मोटो की जगह छोटो को देख के मुझे कितना अजीब लग रहा है। राबिया बेचारी छोटी हो गई है, हाफ खुला खुला लग रहा है। वो मोटो ने पूरी स्पेस गिरी थी, हाय ये अब इतने दिन अंदर रहेगी क्योंकि हम लोग मोटो पे जाएंगे। और ये मोहतरमा जो है ना वो नए जूते निकाल रही है, यार ये भी सारे गंदे हैं, ये भी निकाल। ये मैं लेकर आई थी, मेरे इतने प्यारे शूज हैं पहने हुए। कुछ भी मत रहना मत चाहिए, तुम लोगों के साथ जा रही हूँ मैं, अकेले ट्रैवल करना मेरे लिए बहुत आसान है। जब मैं अपनी बहनों के साथ जाती हूँ तो या तो कोई ना कोई चीज रह जाती है या किसी ना किसी चीज पे जाके कब्जा हो जाता है जो रखी आपने होती है, लेकिन बहन प्रिटेंड करती कि यार ये तो मेरी थी, मेरी नजर इसमें पहले पड़ी थी। तो ये बहुत सी बहनों के साथ ही होता है। अभी फिलहाल मैं अपना मेकअप शेकअप पैक करती हूँ, फिर हमने जब जाना है फिर वो अलग देखेंगे। अभी मैं बहुत थकावट मुझे शदीद हो रही है। जूतों की तो सेल लगाई हुई राबिया तुमने। आई लव शूज, ब्रांडेड शूज। यू लव शूज, आई विल गिव इट टू यू। राबिया जल्दी सब कुछ कर लो, नौटंकियां बंद कर दो। पापा जी सबसे ज्यादा क्या तंग कर रही है इस वक्त? पापा जी आए हम बुटीक वाले अलग कस्टडी, यहाँ ना ही दोनों फर्स्ट क्लास। मानो तुम अभी तक क्या किया है? तो ये ऐसे ही होता मेरे साथ भी, हमें दिखाओ बेचारी फिंगर यादी हो गया, ऐसा लग रहा है टुंडी होगी। मैं अब जा रही हूँ, मैं यहाँ रही तो मैं अपना टाइम जाया करती रहूंगी, जो कि मैं नहीं जाया करती, मुझे पता है टाइम पे मुझको डांट पड़ जानी और मैं नहीं खाना चाहूँगी। सारी बातों की एक बात, सारी पैकिंग एक तरफ, लेकिन ये मेकअप की प्रोडक्ट्स की पैकिंग एक तरफ। इतना तुम्हें मैंने ब्रांडेड मेकअप ला के दिया, इतना तुम्हें मैंने ब्रांडेड मेकअप ला के दिया, तुम फिर अभी वही लोकल। ये फातिमा अपना मेकअप रिमूव कर रही है और आप देख रहे हैं कि ये मेकअप के बगैर ज्यादा प्यारी है। नहीं ये मेकअप, मैंने कहा मेकअप के बगैर ये ज्यादा प्यारी है, और ये मेरा जो मेकअप रिमूवर मैं दुबई से लेके आई हूँ उसको, उसके साथ ही मुंह रगड़ रही है अपना। कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, मेकअप के साथ तुम प्यारी लगती हो या मेकअप के बगैर? अरे भाई जो प्यारा है वो प्यारा है क्या मतलब, मेकअप के साथ अच्छी लगती है, मेकअप के बगैर? मेकअप के बगैर ज्यादा प्यारी होगी बस, हीरा माफ कर दो गलती हो गई। मेकअप लगा के भी लोग प्यारे होते हैं, माफ कर दो, माफ कर दो गलती हो गई। मेकअप से भी प्यारे लगते हैं, मेकअप लगा के ऐसी कोई भी बात ना लड़कियां नहीं कहती है, सब लड़के कहते हैं। क्या मेकअप वाली बात? लड़कियां भी कहती हैं। एक सेकंड, अभी ये कौन कह रही है? मैम तो उसको कहा कि वो मेकअप के बगैर ज्यादा प्यारी लग रही, क्योंकि वो भी हुलिया तो देखो गाइस, इससे तो हम मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं कि वो जिस हुलिया में थी ज्यादा। ठीक है ना, चलो जी मेकअप की शशकिया तो चलते रहने, ये तैयारियां मुझे लगता है कि 2 घंटे और नीचे पापा ने जैनब को फुल डांटा है, ठीक है। तो अपनी डांट बजाते हुए तुम लोगों ने ना चेंज किया ना कुछ, ना पैकिंग ना कुछ, और फातिमा मैडम को तो बिल्कुल परवाह नहीं, हीरा ने नई बेडशीट बिछा के सत्यानाश किया इसका। ये हजरत जो है ना इसने बाज नहीं फाय, हीरा तुमने जाना है कि तुमने वाकई में पापा से डांट खानी है? ये टेस्ट का टाइम नहीं है। अच्छा लग रहा है, इसका कलर अच्छा लग रहा है, तो जो मैंने अप्लाई किया। तुमने कौन सा अप्लाई किया? लोगों को पता है न्यूड, जो मैं एज यू ये मेरा कलर है बिल्कुल लाइट न्यूड, मैंने ये कलर अप्लाई करूंगी अपनी शादी पे। अब ना अगर ऐसे कोई बहन आपकी बदतमीजी कर दे तो आप प्लीज इसको ब्लशन की सूरत में ऐसे ऐसे कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये ब्लशन इतना पक्का हो जाएगा कि उतरेगा ही नहीं, इधर से ही आप इसको ऐसे ऐसे नोजी पे कर सकते हैं। पापा ऊपर आ चुके हैं और सबको जगा रहे हैं और बोल रहे हैं बस उठो निकलो 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 निकलो, कह रहे हैं कि बस जल्दी करो। लेट हो गया, हमारी सारी पैकिंग हो गई, मेरी डन हो गई,
सिर्फ फातिमा रह गई। ठीक है उठो उठो जल्दी चलो। चलने जी गाइस हमारा ये ना मेकअप का पूरा बैग जो है ना वो रेडी हो चुका है। मैं अपना जो है वो ये व्लॉग कर रही हूँ एंड क्योंकि मुझे करना है अगला व्लॉग स्टार्ट और फिर करनी है तैयारी और अपने कपड़े शपड़े करने हैं चेंज, हुलिया करना है थोड़ा सा कॉम्फी। तो अगले व्लॉग में पता चलेगा आपको कि कैसा हुलिया कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। अभी फिलहाल सारी चीजें जो मोबाइल बंद करके होती हैं वो सब काम करते हैं और नया व्लॉग आगे से स्टार्ट करते हैं। अभी इसको करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।